देखिए आज के इस वीडियो में कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको पुष्प कुल का वर्णन, पुष्प कुल के वर्णन में कुल सोलेनेसी के विषय में अध्ययन करना है, अर्थात जो फैमिली डिस्क्रिप्शन है उस फैमिली डिस्क्रिप्शन में फैमिली सोलेनेसी के विषय में आपको अध्ययन करना है। इस सोलेनेसी विषय में अध्ययन करते समय आपको सबसे पहले उसकी हैबिट अर्थात स्वभाव के विषय में जानेंगे। अन्य कुलों की तरह जैसे आपने इसके पहले फेबिसी या लेग्यूमिनेसी पढ़ा, उस फेबिसी या लेग्यूमिनेसी में आपने देखा कि उस पौधे का हैबिट क्या था, रूट क्या था, स्टेम क्या था, लीफ क्या था, इन्फ्लोरेसेंस क्या था, फ्लावर कैसा था, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम कैसे थे। उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में कुल सोलेनेसी अर्थात फैमिली सोलेनेसी में हम अध्ययन करेंगे सोलेनम डायग्राम का, सोलेनम डायग्राम जिसे मकोए कहते हैं, इसका अध्ययन करना है। इस मकोए के पौधे में जो स्वभाव होता है, हैबिट होता है, वह चूंकि इसका पौधा 6 महीने के अंदर ही तैयार हो जाता है इसलिए इसे हम एन एनुअल कहेंगे। हैबिट में इसके हमने 3-4 टर्मिनोलॉजी, एन एनुअल, बाई एनुअल, पेरेनियल, ठीक है, बताए थे। उसी तरह से इसका पौधा जो होता है वह एन एनुअल होता है। एन एनुअल का मतलब कि 6 महीने में ही बुआई से लेकर के कटाई तक, पकने तक की अवधि 6 महीने के अंदर ही तैयार हो जाती है, इसलिए हम इसको एन एनुअल कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी हमने बताया था हर्ब, श्रब और ट्री। इस हर्ब, श्रब और ट्री में से हर्ब जो पौधा कोमल होता था उसे हर्ब लिखते थे, जो कोमल नहीं रहता था वह झाड़ी की तरह रहता था उसे श्रब लिखते थे, और जो पेड़ की तरह मजबूत इमारती लकड़ी प्राप्त करते थे उसको ट्री लिखते थे। लेकिन यह मकोई का पौधा जो है न कोमल है और न पेड़ की तरह, इसने इसको हम श्रब हर्ब ही कहेंगे भाई, हर्ब कोमल होता है। लास्ट में कुछ समय पश्चात वह श्रब में परिवर्तित, सॉलिड होने लगता है, श्रब में नहीं परिवर्तित बल्कि कठोर, उसके तने कठोर होने लगते हैं, तो यह श्रब हो गया। श्रब रूट दूसरी हेडिंग हम देखते हैं जड़ की। उस मकोए के पौधे की जड़ कैसी होती है, हमने बताया था जड़ 2 प्रकार की, टैप रूट और कोरलाइड रूट, यानी घुसला जड़ और झपड़ा जड़। क्योंकि यह मकोए जो है इसकी जड़ें मूसला होती हैं, इसलिए हम इसको टैप रूट कहेंगे, मूसला जड़ कहेंगे। अब आएंगे हम तीसरे टॉपिक से, जो कहेंगे कि स्टेम, यानी कि उसका तना कैसा होता है। क्योंकि तने में हमने बताया था स्टेम में कि इरेक्ट, यानी कि कुछ पौधे के तने सीधे होते हैं, हम उसको इरेक्ट लिखते हैं। कुछ पौधों के तने कोमल होते थे इसलिए वीक लिखते थे,
लेकिन कमजोर लिखते थे, लेकिन इसका हम कमजोर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मटर का पौधा था, उसको चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती थी, इसलिए हम उसको क्रीपिंग एंड क्लाइंबिंग वीक बोलते थे, लेकिन इसमें हम वीक नहीं बोलेंगे। इसमें शाखा युक्त होता है, इसलिए हम ब्रांच के लिए लिखेंगे ब्रांच। और जब यह हर्बेसियस यानी कि कोमल अवस्था इसकी कंप्लीट हो जाती है, तो इसके तने सॉलिड हो जाते हैं, ठोस सॉलिड अवस्था में हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ठोस अवस्था। उसके बाद सिलिंड्रिकल हो जाता है, यानी कि इसके तने कुछ चिकनाहट टाइप होते हैं, इसलिए हम उसे सिलिंड्रिकल यानी कि गोल युक्त सिलिंड्रिकल भी होते हैं कहते हैं। उसके बाद स्टेम के बाद आ जाता है लीफ, पत्ती। हमने पत्ती में दो प्रकार का बताया था, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। क्योंकि मकोई का पौधा ऐसा होता है, एन एनुअल पौधा है, लेकिन उसकी पत्तियां साधारण होती हैं, इसलिए हम उसको सिंपल या साधारण पत्ती कहते हैं, साधारण पत्ती कहते हैं। और उस पत्ती में सिरा विन्यास जो होता है वो जालिकावत होता है, इस तरह की स्थिति होती है। जो जो सिरा विन्यास होता है वो इस तरह से होता है, इसलिए हम इस पौधे की पत्ती को रेटिकुलर विनेशन, रेटिकुलर विनेशन कहते हैं, अर्थात जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे सिंपल लीफ और फिर लिख देंगे सिरा विन्यास उसका जालिकावत रेटिकुलर विनेशन, जालिकावत सिरा विन्यास। उसमें डंठल होता है, इसलिए उसे पेटियोलेट भी कहते हैं, और डंठल में होने के कारण इसको हम ये वाला पत्ती में जो फल भाग होता है ये डंठल, इसलिए इसी डंठल को हम पेटियोलेट या डंठल युक्त भी कहते हैं। फिर लीफ के बाद उसका हाइब्रिड रूट स्टेम लीफ, उसके बाद इनफ्लोरिसेंस पे आएंगे, इनफ्लोरिसेंस पुष्पक्रम, इन फ्लोरिसेंस जिसको कहते हैं पुष्पक्रम। इस पुष्पक्रम में हमने बताया था कि पौधे में पौधे के तने में पुष्प के लगने के क्रम को ही पुष्पक्रम कहते हैं, इनफ्लोरिसेंस कहते हैं। और पुष्पक्रम हमने आपको दो प्रकार का बताया था, एक रेसिमोस बताया था, रेसिमोस, और एक साइमोस बताया था, असमाक्षी और स्वसमाक्षी। जिस पौधे के तने में पुष्प लग जाते हैं और लगने के बाद उस पुष्प में उसकी वृद्धि उस ब्रांच की अनियमित होती रहती है, उसको हम रेसिमोस कहते थे। और जब जिस पौधे में पुष्प लग जाते हैं और उसकी वृद्धि रुक जाती है, उस स्थिति को हम साइमोस कहते हैं। तो यह जो मकोई का सोलेनेसी सोलेनम नाइग्रम का पौधा होता है, उसके तने में पुष्प लगते हैं, गुच्छे के रूप में लगते हैं, और वहीं जहां ही पुष्प लग जाते हैं वहीं उस तने की वृद्धि वहीं उसकी रुक जाती है, इसलिए गुच्छे के रूप में लगने के कारण हम उसके पुष्पक्रम को कहते हैं हेलिक्वाइड विद साइमोस, या साइमोस विद हेलिक्वाइड। साइमोस होता है लेकिन विद हेलिक्वाइड यानी कि साइमोस है और उसका पुष्प गुच्छे के रूप में बनता है, इसलिए इसको कहते हैं गुच्छेदार। उसके बाद फ्लावर,
पुष्प की स्थिति हमने बताया था कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट, यानी कि पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है कि जब पुष्प के सभी भाग कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेशियम उपस्थित होते हैं तब उस पुष्प को हम कहते हैं कंप्लीट, और जब किसी पुष्प में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेशियम इतने में से कोई ना कोई अंग ठीक फ्लावर में, जब हमने बताया कि जब किसी पुष्प के कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेशियम सारे अंग अर्थात पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं तब उस पुष्प को हम कंप्लीट कहते हैं अर्थात पूर्ण कहते हैं, अन्यथा जिस पुष्प में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेशियम इस चारों में से कोई ना कोई भाग एब्सेंट होता है तब उसे हम इनकम्प्लीट या अपूर्ण कहते हैं। लेकिन इस फैमिली सोलेनेसी के सोलेनम नाइग्रम में मकोई में के पुष्प में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेशियम सभी उपस्थित होते हैं इसलिए हम इस पुष्प को कंप्लीट करते हैं। फिर हर्माफ्रोडाइट यहाँ हमने लिखा है जिसको कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी कह सकते हैं, बायसेक्सुअल आर उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि जब जिस पुष्प में एंडोसियम और गाइनेशियम दोनों उपस्थित होते हैं तब उसे उभयलिंगी कहते हैं, और जब किसी पुष्प में केवल एंडोसियम उपस्थित होता है, गाइनेशियम एब्सेंट होता है तब, या किसी पुष्प में गाइनेशियम उपस्थित होता है, एंडोसियम एब्सेंट होता है तब उसे हम यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी कहते हैं। लेकिन जो फैमिली सोलेनेसी का सोलेनम नाइग्रम है मकोय है उसके पुष्प में एंडोसियम गाइनेशियम दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसे हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी नाम दे रहे हैं। फिर यहाँ हमने एक्टिनोमॉर्फिक लिखा है त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित इसमें हमने बताया था कि जब पुष्प के को बराबर बराबर भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं तब उसे त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक करते हैं, और जब हम उसके पुष्प को बराबर बराबर भागों में नहीं विभाजित कर पाते हैं तब उसे जाइगोमॉर्फिक करते हैं। किंतु यह सोलेनम डायग्राम के पुष्प को हम पेंटामीरस जो है पुष्प है उसको बराबर बराबर भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं इसलिए यह पुष्प त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक होता है। अब आते हैं इस फ्लावर के बाद कैलिक्स की बारी आती है, पुष्प के बाद कैलिक्स यानी बाह्यदल पुंज की बारी आती है, कैलिक्स या बाह्यदल पुंज। इस सोलेनेसी के पुष्प में कैलिक्स की संख्या जिसे हम सेपल्स कहते हैं, कैलिक्स को हमेशा सेपल्स लिखते हैं और सेपल्स की संख्या 5 होती है, और ये एक दूसरे से फोर स्पर्शी क्रम में जुड़े होते हैं इसलिए हम इसे वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन अर्थात फोर स्पर्शी, फोर स्पर्शी विन्यास कहते हैं। अब कैलिक्स के बाद आता है करोला जिसे दलपुंज कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, इस दलपुंज को हम पेटल्स इंग्लिश में लिखते हैं पेटल्स, और इनकी संख्या होती है 5, 5, और ये भी इनके भी दल पुंज जो होते हैं वह आमने सामने के कोर के रूप में जुड़े होते हैं इसलिए इनको भी हम वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं,
एस्टिवेशन अर्थात कोर स्पर्शी विन्यास कहते हैं। अब इस करोला के बाद हम एंडोसियम की बारी आती है। जब एंडोसियम की बारी आती है तो एंडोसियम इस सोलेनेसी के पुष्प में पुंकेसर की संख्या जो होती है, जिसे इस पुष्प का नर जननांग कहते हैं, वो 5 होते हैं। अर्थात एंडोसियम जिसे कहते हैं उमंग, इस उमंग में लिखते हैं स्टामेंस, स्टामेंस आर 5 बट एपी पिटेलस, बट एपी पिटेलस इसको कहते हैं पुंग, स्टामेंस 5 होते हैं, लेकिन एपी पिटेलस का मतलब होता है दल लग, इसको कहते हैं दल लग। अर्थात जो इसके पुष्प होते हैं, दल लग्न का मतलब कि जो इसके पुष्प होते हैं, करोला की संख्या इसमें जो 5 हो रही है, 3, 4, 5 यही मखोए का पुष्प है। इस मखोए में जो पुंकेसर होते हैं, ये स्टामेंस 5, वो स्टामेंस 5 इस तरह से जुड़े होते हैं सभी करोला की तरफ, पांचों स्टामेंस इस तरह से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे एपी पिटेलस, इसी कंडीशन को ही दल लग्न या एपी पिटेलस कहते हैं। पांचों करोला पर पांचों स्टामेंस ऐसे जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद गाइनीशियम में आ जाते हैं। एंडोसियम के बाद गाइनीशियम में, जब गाइनीशियम में आते हैं तो इस सोलेनेसी के सोलेना माइग्रम के जायांग जो गाइनोशियम कहते हैं, जिसे हम जायांग कहते हैं, ये जायांग दुई अंडपी जिसे कहते हैं बाई कार्पेलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी एंड स्वेलिन प्लेसेंटा एंड सोलेन प्लेसेंटा होते हैं। अर्थात बाइकार्पेलरी का मतलब दुई अंडपी, अर्थात उसके जायांग की जो बनावट होती है वो दुई अंडपी होती है। दुई अंडपी का मतलब इस तरह से, ये इसके अंडाशय हैं और इस तरह से उनमें अंडकों की संख्या, एक अंडा इधर एक अंडा इधर, इसको कहते हैं बाइकार्पेलरी। सिन कार्पस, सिन कार्पस मतलब अंडाशय के नीचे से इसके सभी अंग विकसित होते हैं, इसलिए इसे युक्तांड भी बोलते हैं। सुपीरियर ओवरी एंड सोलेन प्लेसेंटा, यही प्लेसेंटा इसके, सोलेन प्लेसेंटा का मतलब इसके प्लेसेंटा ऐसे बीच में फूले होते हैं और ओव्यूल्स इसी प्लेसेंटा से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। गाइनीशियम के बाद आते हैं हम फ्रूट पर, फली पर। इसकी फली जो होती है, इसके फली को संपुट या कैप्सूल कहते हैं, जिस तरह से फेबेसी या लेग्यूमेसी कुल में फल को लेग्यूम कहते थे, उसी तरह से इसके फल को हम संपुट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सीड, बीज पर। सीड जिसे हम कहते हैं बीज, इसमें जो बीज होता है वह एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कहलाता है। अब आते हैं हम इसके फ्लोरल फार्मूला पर। फ्लोरल फार्मूला जो होता है इसका, उसमें हम लिखेंगे
ई बैक्टीरियटी, एक्टिनोमॉर्फिक, हार्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोसियम 5, गाइनीशियम 2, ओवरी सुपीरियर। ये रहा उसका फ्लोरल फार्मूला। और जब फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसके फ्लोरल डायग्राम में कैलिक्स की संख्या हम 5 बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये कैलिक्स हो गया। वॉल्वेट एस्टिवेशन इसके हो गए, पोरस पर्सी। जो करोला होता है वो भी 5 होते हैं, वो भी वॉल्वेट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पांचो एंडोसियम जो होता है वो 5 होते हैं, यानी कि 5 एंडोसियम एक एक से जुड़े होते हैं। इसको हम एक एंडोसियम यहाँ बनाए, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि जिस तरह से उसके करोला में स्टामेंस ऐसे करोला के ऊपर जुड़े होते हैं, ऐसे पांचों पर ऐसे एंडोसियम ऐसे जुड़े होते थे, उसी तरह से यहाँ जो यही है स्थिति कि ये करोला है, ये ऐसे इस स्टामेन से, पांचों स्टामेन से ऐसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद अंडाशय हमने बना दिया यहाँ, ये अंडाशय हो गए। और इस अंडाशय में प्लेसेंटा फूला हुआ, स्वेलन प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा में ओव्यूल्स इस तरह से जुड़े रहते हैं। यही उस मटर के, मकोई के पौधे के फ्लोरल डायग्राम का फिगर हो गया। इसको कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। और इसी टीएस ओवरी को ऐसे बाहर निकाल देते हैं, ये फिगर बन गया टीएस ऑफ ओवरी। ये हो गया टीएस ऑफ ओवरी। अब इस सोलेनेसी पौधे के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होते हैं, आर्थिक महत्व होते हैं, जो आप सभी लोग जान रहे हैं कि सोलेनेसी में जैसे बैगन हुआ, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इस सब का आर्थिक उपयोग आप जान रहे हैं कि फूड एज वेल एज इन वेजिटेबल्स, इन वेजिटेबल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।